हम फिर से लेकर आए हैं लेसन प्लान की एक और न्यू वीडियो जो कि है द एडवेंचर ऑफ टोटो टो द एडवेंचर ऑफ टोटो को मैंने कंटिन्यू किया है इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो ये है इन्फॉर्मेटरी स्टेज सबसे पहले हम इंफॉर्मेटरी स्टेज लिखते हैं एज यू ऑल नो इन्फॉर्मेटरी स्टेज में बहुत सारे पॉइंट्स uh, आते हैं लाइक नेम ऑफ़ द स्कूल लिखना होता है जिस भी स्कूल में आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं उस स्कूल का नाम नेम ऑफ़ द स्टूडेंट टीचर क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट टॉपिक सब टॉपिक ड्यूरेशन पीरियड एंड डेट्स आफ्टर दैट यहाँ पे प्रिपेटरी स्टेज आती है जिसमें कि मैंने जनरल एम को एज यूजल सेम एज बिफोर लिखा है इसमें प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने सेम एज बिफोर क्यों लिखा है इसके बाद the, मैंने स्पेसिफिक एम लिखा है स्पेसिफिक एम Uh, जो चैप्टर है उससे उस, उस पर बेस्ड होता है कि ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा क्या एम है आफ्टर दैट मैंने लिखा है टीचिंग एड टीचिंग मैथड टीचिंग टेक्निक्स प्रीवियस नॉलेज एंड देन एट लास्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आई हैव आज टू थ्री क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज हैव यू सीन अ मंकी देन स्टूडेंट रिप्लाइड येस मैम देन आई आस्क द सेकेंड क्वेश्चन हाउ डज दे बिहेव दे रिप्लाइड दे डू मिस्टिवियस एक्ट द थर्ड क्वेश्चन आई आस्क दैम इज दैट tell me some activities of a monkey which you think is a mischievous act according to you then they are unable to get that point and don't able to answer the question so they this is a problematic question for them then i do an announcement of the topic that students today i will deal with the chapter the adventure of toto and then i continued after that i have written the presentation इन प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द मॉडल रीडिंग सबसे पहले मैं मॉडल रीडिंग करूँगी मॉडल रीडिंग करने के लिए मॉडल रीडिंग का मतलब होता है कि एक टीचर जो है वो प्रॉपर इंटोनेशन प्रॉपर पंक्चुएशन इंटोनेशन विथ प्रॉपर रिदम जो टॉपिक होता है जो पैराग्राफ्स होता है उसको रीड करता है जिससे कि एकट प्रोनांसिएशन पंक्चुएशन इंटोनेशन रिदम से बच्चे जो हैं वो उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनंसिएट करते हैं तो उसी को देख के वो फिर इसको लाउड रीडिंग करते हैं वो पैराग्राफ को दो तीन स्टूडेंट जो हैं वो लाउड रीडिंग करते हैं और फिर उनके लाउड रीडिंग करने के बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर को कि आखिर ये जो पैराग्राफ है वो क्या बताना चाह रहा है आफ्टर दैट जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो हैं वो बातों को ध्यान से सुनते हैं और देन मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क में सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा है द एडवेंचर ऑफ टोटो जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है इसके बाद जो है वो मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग थे तो वर्ड मीनिंग मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया आफ्टर दैट सेकेंड पेज ऑफ प्रेजेंटेशन में मैंने फिर से दूसरा पैराग्राफ लिया है उसके लिए फिर से मैंने उस पैराग्राफ को मॉडल रीडिंग किया देन आई आस्क टू और थ्री स्टूडेंट टू डू टू डू लाउड रीडिंग वन बाई वन देन आई एक्सप्लेन

ब्लैकबोर्ड से जो भी वर्ड मीनिंग है वो और ग्रामर में मैंने टेंस बताया कि किस तरह से फाइंड का वी थ्री होता है फाउंड सेल का वी टू होता है सोल्ड रियलाइज का वी टू होता है रियलाइज्ड ओके आफ्टर दैट इतना होने के बाद मेरा लास्ट जो है वो लास्ट पेज में हम लिखेंगे रिकैप्चुलेशन मैंने फिर से ओवरऑल जब मैंने पूरी स्टोरी बता दी तो बताने के बाद जो कि दो क्लास में मैंने ये स्टोरी कंप्लीट की है इसके पहले भी मैं एक पार्ट वन प्रीवियस वीडियोस के पार्ट इसके पहले ही मैंने पार्ट वन का एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि मैंने फर्स्ट डे क्लास ली थी और ये सेकंड क्लास के लिए सेकंड uh, क्लास का वीडियो है पार्ट टू इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दो uh, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दो दिनों में ये चैप्टर कम्प्लीट कराया है तो, तो इसमें मैं रिकेपुलेशन कराती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है इस चैप्टर का टोटल ओवरव्यू जो तो मैं यहाँ रिकैपचुलेसन करती हूँ रिकैपचुलेट करती हूँ सारा कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है आफ्टर दैट मैं एवेलुएशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जैसे कि वट वट वॉज द नेम ऑफ द डंकी देन दे विल आंसर इट दैट द नेम ऑफ डंकी वॉज टोटो इस वैसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाई डज टोटो एंड नाना नॉट बिकम फ्रेंड हाउ डज टोटो बॉयल हिमसेल्फ व्हाट बेनिफिट डज टोटो गेट आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस बाय ग्रैंड मदर इस रस्ते मैं एवेलुएशन करके देन मैंने होमवर्क दिया उन्हें थ्री टोटल थ्री होमवर्क दिया है आफ्टर दैट यहाँ पे लास्ट में लिखना है सुपरवाइजर सिग्नेचर एंड सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर इस तरह से आपका जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होता है आप चाहें तो वन बाय वन इसका स्क्रीन ले सकते हैं और अगर किसी को इसकी पी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है सो आई होप आप एक बार देख लीजिए इसका स्क्रीन सभी ने अच्छे से ले लिया हो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर विजिबल हो ये सारे जो पेजेज हैं वो आपको विजिबल हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो दिस विल बी मोर हेल्पफुल सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू